गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द यूनिट फर्स्ट सेक्शन 1 फुटलूज इन आगरा। दिस इज स्टोरी द अबाउट ए सिटी विच नेम इज आगरा। सो नाउ लेट्स रीड द स्टोरी। ए ट्रैवलॉग इज ए पीस ऑफ राइटिंग अबाउट द ट्रैवल। ए ट्रैवलॉग, ट्रैवलॉग क्या होता है? एक ऐतिहासिक यानी युग होता है। ए पीस ऑफ द राइटिंग अबाउट द ट्रैवल, जिसमें केवल यात्रा का वर्णन किया जाता है। एंड रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, हु इज़ द रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। यानी रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं? हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिसे किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। यानी जब किसी ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन करते हैं तो उसे किसी तरह के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो यंग रीडर्स, डिस्क्राइब द विजिट ऑफ द हिस्टोरिकल फेम सिटी ऑफ द आगरा। अब यहाँ पर हम एक हिस्टोरिकल फेम सिटी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम क्या है? आगरा। इन द फॉलोइंग टेक्स्ट, फुटलूज इन आगरा एंड द एक्सेप्ट फ्रॉम ए जर्नलिस्ट फ्रॉम द बैंड मैंशन इन द मिड 1960। यानी ये जो फुटलूज इन आगरा जो स्टोरी है, उसके बारे में जो यात्रा का वर्णन किया गया था, उसके बारे में कब है? इन द मिड ऑफ 1960, यानी 1960 में उसका वर्णन किया गया था। वेयर When he traveled extensively across North India, जब यानी North India की यात्रा कर रहे थे। Read it the savor his experience the city of the marvelous। तब उन्होंने यात्रा करते करते इस सिटी का एक्सपीरियंस को यानी अपनी डायरी में लिखा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्वलस थी, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत थी। ताजमहल विच इज़ द स्टार ऑफ अट्रैक्शन, यानी उन्होंने स्टार ऑफ द अट्रैक्शन इस सिटी को नाम दिया था। द साइकिल रिक्शा इज़ द बेस्ट वे ऑफ द गेटिंग अबाउट द आगरा। जो रिक्शाज होते हैं वो क्या, रिक्शा जो होती है आगरा सिटी में, यानी गेटिंग द अबाउट इन आगरा बेस्ट वे है, यानी यात्रा करने का एक बेस्ट वे माना गया है। इट्स मोस्ट ग्लीडिंग मोशन एंड लेजरली रेट, यानी वो बहुत ही ग्लीडिंग मोशन, यानी बहुत ही धीरे से चलता है, आराम से चलता है, स्मूथली चलता है, एंड लेजरली रेट, और जिसके जो रेट होते हैं, कीमत जो होते हैं रिक्शा पर जाने की, वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ऑफ द प्रोग्रेस इन द कीपिंग विद द पीस ऑफ द लाइन इन दिस ओल्ड वर्ल्ड सिटी, यानी सर ओल्ड वर्ल्ड सिटी में घूमने के लिए रिक्शा साइकिल रिक्शा को बेस्ट वे बताया गया है। द रिक्शा बॉय जगल्स इज द थ्रो ऑफ द क्राउडेड बाजार एक्सचेंजिंग इंसल्ट विद द टोंगा ड्राइवर्स पेडेस्ट्रियंस एंड द अदर साइक्लिस्ट, बट वंस ऑन द रोड मॉल ऑफ द ताज नहर रोड हिज क्योरसी चेंजेस इंटू द केयर फ्री सॉन्ग एंड द फ्री वाइल्स अलोंग द ट्रीज लाइंड एवेन्यूज। सी अगेन, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो रिक्शा बॉय जगल्स है, हिज वे थ्रू द क्राउडेड बाजार, वे कहाँ से, हिज वे उसका जो रास्ता होता है वो कहाँ से लेता हुआ चलता है? क्राउडेड बाजार में से, यानी क्राउडेड भीड़ भरे बाजार में से लेकर जो चलता है। एक्सचेंजिंग इंसल्ट, यानी रिक्शा चालक, आपने देखा होगा जब कभी भीड़ में चलते हैं तो किस तरह से मोटरसाइकिल गाड़ी वाले किस तरह से उनके बोलकर के सामने बोलकर जाते हैं, तो यानी वो जो रिक्शा चालक जो जगल्स था, जब वो राइटर को लेकर के जा रहा था, तो उसने देखा कि रिक्शा चालक भीड़ भरे बाजार में जब लेकर के जा रहा है तो उसे इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। विद द टोंगा ड्राइवर ने पेडेस्ट्रियंस एंड द अदर साइक्लिस्ट, किस किस से? टोंगा ड्राइवर से, पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो पैदल यात्रा कर रहे होते हैं, एंड द अदर साइक्लिस्ट जो साइकिल पर होते हैं। बट वंस ऑन द ब्रॉड मॉल, तो जब वो ब्रॉड मॉल और ताज रोड, जो ताज रोड होता है ये किसी रोड का नेम है, हिज क्योरसीज उसके जो क्योरसीज होते हैं, यानी जो लोग बुरा बोल रहे थे, वो किस में चेंज हो जाते हैं? एक सॉन्ग में, यानी वो बिना किसी नहीं चिंता के, बिना किसी टेंशन के वहाँ पर फ्री व्हील्स यानी अपने व्हील्स साइकिल के व्हील्स को घुमाते हुए अपनी मस्ती में चलता जाता है। क्लियर। लुकिंग अप आई नोटिस ए नंबर ऑफ ब्राइट पेपर काइट्स एंड द फ्लटर डिप एंड द स्वेर इन द क्लाउडलेस स्काई। आई कैन नॉट रिकॉल सीइंग ऑन द मैनी काइट्स बिफोर। तब यहाँ पर क्या कहा है, जब रिक्शा चालक उसको यानी राइटर को जब लेकर के जा रहा होता है तो वो क्या कहते हैं कि लुकिंग अप, देखो आई नोटिस ए नंबर ऑफ ब्राइट पेपर काइट्स, यानी मैंने बहुत ही संख्या में, जब मैं आगरा में आया तो बहुत ही संख्या में मैंने पेपर काइट्स देखे हैं, दैट फ्लटर जो फड़फड़ा रही है, डिप एंड स्वर्व इन द क्लाउडलेस स्काई, और क्या कर रही है? क्लाउडलेस स्काई यानी बादल नहीं है, बिना बादलों के, यानी आसमान में वो क्या कर रही है? इधर उधर
जा रही है. आई कैन नॉट रिकॉल सींग सो मैनी काइट बिफोर. आई कैन नॉट रिकॉल सींग सो मैनी काइट्स, यानी इससे पहले मैंने कभी भी इतने काइट्स नहीं देखे. इज इट ए फेस्टिवल टूडे, क्या आज किसी तरह का कोई फेस्टिवल है. आई आस्क, मैंने उस रिक्शा बॉय से पूछा. नो साहेब, सेज द रिक्शा बॉय, नोट इवन ए होलीडे. नहीं साहेब, आज कोई भी इस तरह का कोई फेस्टिवल नहीं है. नोट इवन ए होलीडे, ना ही किसी तरह की कोई छुट्टी है. देन वाई सो मैनी काइट्स, फिर इतने काइट्स क्यों हैं. ही डज नॉट इवन द बोदर टू लुक अप. मैंने इससे पहले कभी भी इतना नहीं इतने ने काइट्स नहीं देखे. यू कैन काइट सी द काइट्स एवरी डे साहिब. अब रिक्शा जो साहिब यहाँ रिक्शा जो है रिक्शा बॉय क्या कहता है कि आप इतने काइट्स डेली यहाँ पर देखोगे. आई डोंट सी इन द डेली, इससे पहले मैंने डेली में कभी भी ऐसा, यानी यही जो रिक्शा चालक जिसे घुमा रहा था वो पर्सन कहाँ से था, यात्रा करने जो ट्रैवल करने आया था दिल्ली से. क्लियर. बट दिल्ली इज़ ए बिजी प्लेस, किंतु जो दिल्ली है वो एक बहुत ही ज़्यादा बिजी प्लेस है. इन आगरा पीपल स्टिल फ्लाई काइट्स. यानी आगरा में जो पीपल है वो केवल वो काइट्स उड़ाते हैं. देयर आर काइट्स फ्लाइंग कॉम्पिटिशन एवरी संडे. यहाँ पर एवरी संडे क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है. एंड हैवी बेट्स आर द समटाइम प्लेस ऑन द आउटकम. कभी कभी क्या होता है, हैवी बेट्स यानी बड़ी बड़ी शर्तें भी लगती है, यानी बाहर जाकर पतंग उड़ाने की. वी नियर द सिटी, नहीं जब हम सिटी के पास पहुँच जाते हैं. आई नोटिस काइट स्टक इन द ट्रीज ऑफ डगलिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. जब हम शहर के पास पहुँच जाते हैं तो वो क्या नोटिस करता है कि जो काइट्स हैं वो कहाँ पर स्टक होता है, उलझी हुई इन द ट्रीज, कहाँ पर उलझी हुई है ट्रीज़ में. और डगलिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, और कहाँ पर झूल रही है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में. बट देयर आर द ऑलवेज अदर सोयरिंग अप टू द टेक देयर प्लेस. हाँ, किंतु यहाँ पर हमेशा ना क्या होता है कि पतंगे जो है उड़ती रहती हैं. आई आस्क द रिक्शा बॉय टू टेल मी समथिंग अबाउट द काइट फ्लायर्स. अब यानी रिक्शा बॉय से क्या पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट द काइट फ्लायर्स. काइट फ्लायर्स कौन होते हैं, पतंग उड़ाने वाले. एंड द क्लाइट ने काइट मेकर्स, और पतंग बनाने वालों के बारे में मुझे कुछ बताओ. बट द सब्जेक्ट बोर्स हिम, किंतु अब जो काइट वाला जो विषय छिड़ रहा था, सब्जेक्ट जो छिड़ रहा था रिक्शा बॉय को, वो बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा था, क्योंकि वो इन चीज़ों को डेली लगता है. लेकिन जो विजिट कर रहा था पर्सन, उसको रस्किन बॉन्ड जो थे उसे बहुत ही इंटरेस्टेड लग रहा था, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था. यू हैड बेटर सी द ताज टूडे साहिब. अब जो रिक्शा बॉय है वो क्या कहते हैं कि राइटर को, आप यहाँ पर ताजमहल देखने आए हो तो आप केवल यहाँ पर ताजमहल देखिए. यू हैव बेटर सी ताज टूडे. ऑल राइट, टेक मी टू नेटा. ओके, आप मुझे ले चलिए. आई कैन लंच आफ्टर वर्ड्स, यानी ताजमहल देखने के बाद मैं उसके बाद क्या करूँगा, लंच करूँगा. इट्स डिफ़िकल्ट टू व्यू द ताज एट नून, यानी इट्स डिफ़िकल्ट टू व्यू, बहुत ही मुश्किल है ताज एट द नून, यानी दोपहर के समय ताजमहल को देखना. द सन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स क्या होता है, अटैक, यानी जो सूर्य है वो स्ट्राइक करता है द वाइट मार्बल, जो ताजमहल है वाइट मार्बल पर वो अटैक करता है. देयर इज़ ए ग्रेट डेजल ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी बहुत ही उनकी जो सूर्य की जो रोशनी पड़ते वो बहुत ही तेज़ होती है. आई स्टैंड देयर विद अवर्टेड आइज. आई स्टैंड देयर, मैं वहाँ पर खड़ा हो जाता हूँ. अवर्टेड आइज क्या होता है, अवर्टेड आइज आपने कभी नोटिस किया, जब हम धूप में सूरज की तरफ ऊपर फेस उठाकर देखते हैं तो हमारी आइज जो होती हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे से, यानी थोड़ी थोड़ी सी खुलने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अवर्टेड आइज. जैसे ही मैं वहाँ पर खड़ा हुआ तो मैंने अवर्टेड आइज के साथ बाहर देखा, लुकिंग एट द एवरीथिंग, और हर चीज़ को मैंने वहाँ पर देखा. द फॉर्मल गार्डन्स, द सराउंडिंग वॉल्स ऑफ द रेड स्टोन्स, यानी जो फॉर्मल गार्डन्स थे उसके चारों ओर जो वॉल्स थी रेड सैंड स्टोन, यानी लाल पत्थरों की बनी हुई थी. द वाइंडिंग रिवर, और जो रिवर थी वो बहुत ही ज़्यादा पक्की थी. एवरी थिंग द मोन्यूमेंट, यानी हर चीज़, एवरी थिंग हर चीज़ बहुत ही सुंदर लग रही थी. एक्सपेक्ट द मोन्यूमेंट आई हैव कम टू सी, जिसे मैं देखने आया हूँ. इट इज़ देयर ऑफ कोर्स वेरी सॉलिड एंड रियल, ये सब चीज़ें बहुत ही वास्तविक लग रही थी. परफेक्टली ये प्रिजर्व विद वेरी जेड जैस्पिड एंड लैपिस, इन्होंने कहा है कि यानी हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट लग रही थी. एवरी सिंग जेड
जैस्पर एंड द लैपिस। ये क्या है? जेड, जैस्पर एंड लैपिस, ये पत्थर के नेम है जो ताजमहल बनाने में यूज़ किया गया है। प्लेइंग इट्स द पार्ट इन द ओवरऑल डिज़ाइन, जिन पर डिज़ाइन बनाया गया। आफ्टर ए वाहल, कुछ समय बाद आई कैन शेड माई आइज एंड टेक इन द विजन ऑफ शिवलिंग। कुछ समय के बाद क्या होता है कि मेरी आइज में जो शेड्स हैं, सूर्य की जो चमक है, टेक इन द विजन ऑफ शिमरिंग, यानी बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है वाइट मार्बल, यानी सॉरी आई कैन शेड ऑफ माई आइज एंड द टेक इन द विजन ऑफ शिमरिंग वाइट मार्बल, यानी जो सूर्य की रोशनी है वो इतनी ज़्यादा शिमरिंग होता है, चमकने लगता है। वो किस पर चमकने लगता है? सूर्य की रोशनी, यानी उस वाइट मार्बल पर जो ताजमहल बना हुआ है, यानी उस पर बना है, शाइन करने लगता है। द लाइट राइज इन द वेव्स फ्रॉम द शिमरिंग पेविंग, यानी जो सूर्य की हल्की हल्की रोशनी, जब सूर्य ढलने लगता है उसकी जो हल्की हल्की यही रोशनी होती है, उसकी जो वेव्स होती है, लहरें होते हैं, फ्रॉम द शिवरिंग पेविंग स्टोन्स एंड द स्केयर्स ऑफ द ब्लैक एंड वाइट मार्बल क्रिएट द अफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर। वो कहाँ कहाँ पर पड़ती है? शिवरिंग पेविंग स्टोन्स कहाँ पर पड़ते हैं? स्टोन्स पर, स्केयर्स ऑफ ब्लैक एंड वाइट मार्बल, वाइट और मार्बल स्केयर्स शेप के वाइट और ब्लैक मार्बल पर पड़ते, क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर, और अपना इफेक्ट कहाँ पर, यानी रनिंग वाटर, यानी चलते हुए बहते हुए पानी पर अपना इफेक्ट डालते हैं। कौन डालते हैं? सूर्य की जो रोशनी होती है, जब ढलता है सूरज तो यानी ताजमहल जो है और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे आपको विद एक्सप्लेनेशन, विद ट्रांसलेशन एंड विद हिंदी मीनिंग। आपको ये लेसन अगेन रीड करना है।